नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन आईसीआई इलेक्शंस में आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला, आपका साथ मिला। और अगर मैं दोबारा जीता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो आशीर्वाद है उसके हिसाब से मैं प्रोफेशन के हित में हमेशा काम करता रहूंगा। दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी ऑडिट GSTR 9C के पार्ट 3 को डिस्कस करने के लिए। अब तक हमने टोटल यहां पर 16 टेबल है पार्ट ए में GSTR 9C में, और हमने 11 टेबल डिस्कस कर लिए थे। आज हम 12 से 16 टेबल डिस्कस करेंगे और पार्ट बी जो सर्टिफिकेशन वाला है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो 12 से 16 वाले टेबल है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेट करते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सुनने से पहले, शुरू करने से पहले, GSTR 9C को अपने पास रखें, अपने टेबल पे साथ रखें, ताकि आप टेबुलर वाइज, कॉलम वाइज आप समझें कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर फीड करनी है। और दोस्तों, दूसरी बात, मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर से है, मैं पहले दो पार्ट में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप इस टेबल, इस GSTR 9C की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज रीड ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर स्टार्ट फिलिंग इन द इंफॉर्मेशन इन GSTR 9C। सो लेट्स स्टार्ट विद टेबल 12 ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पर अगेन, नाउ रिकंसिलेशन इज व्हाट, नाउ वी हैव टू रिकंसाइल द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन GSTR 9 एनुअल रिटर्न। सो एज द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज, इट इज ओनली रिकंसाइलिंग द फिगर्स डिप्लॉयड और फिगर्स डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, एंड एनुअल रिटर्न फिगर्स आर बीइंग कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 एंड 3B। यू ऑल नो दैट। Now, when we say table 12A, so we'll be talking as usual, we always used to, that every table we pick up and identify that what kind of a figure, what amount of item it is to be filled in. So 12A talks about ITC availed. Availed, we have to determine this ITC availed from audited annual financial statements. Now, as we already know that in case of those registered persons who are having multiple registrations at multiple locations, but audited annual financial statements are being prepared on PAN basis, one audited financial statements, everything compiled. So, unke cases mein, what we have to do is that we have to determine the input tax, like we did in turnover in table 5 also. We have to determine the input tax credit availed पर GSTIN वाइज, क्योंकि मैं आपको फिर बताना चाहूंगा ये फॉर्म 9C जो है वो पर GSTIN वाइज जाना है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि हमारी इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर से एक्सटेंड होकर 31 मार्च हो गई है दोस्तों, और ऑर्डर भी इसके ऊपर, पहले प्रेस रिलीज आई फिर ऑर्डर भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन ओनली। ऑर्डर को हम जब पढ़ते हैं और इनकी इंस्ट्रक्शंस को, GSTR 9C की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, तो यहां पर क्लियरली एक बात समझ में आती है कि ये जो 9C हमने भरना है, जैसे कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा हूं, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 यहां पर, द डिटेल्स फॉर द पीरियड बिटवीन जुलाई 17 टू मार्च 18 आर टू बी प्रोवाइडेड इन दिस स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। And similarly, when we see the order which has been issued for extending the due date of filing of GSTR 9C from 31st December to 31st March, it also talks about that period for which data to be filled is 1st July to 31st March. I hope you must have got what I am trying to communicate. This 9C is only to be filled for 9 months. From 1st July 17 to 31st March 18, I have my reasons to believe. Others may have their reasons to believe for different opinion. Now, when we say 12A, so 12A ITC availed as per audited financial statements, and it is to be done on GSTIN wise. Then we talk about 12B, 12C, 12D. 12B is basically
इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज बुक्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अर्लियर ईयर्स बट क्लेम्ड इन 17-18 इट इज टू बी एडेड टू 12A. इन 12B इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड विच वॉज बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट अवेल्ड इन 2017-18 इज टू बी पुट इन. It is to be added to 12A. Then in 12C, similarly, the input tax credit which was been booked in this audited financial statement but to be claimed in next financial year, maybe 18-19 or 19-20, is to be deducted. So then 12D is ITC availed as per audited financial statements. Then 12E, again 12E, what would be information ITC of information ITC availed in annual return, and from in annual return you will be deriving this information from table 7J. And the next 12F would be the 12E would be the difference between input tax credit in this thing audited financial statement and annual return. And the next column shall be the reason unreconciled ITC you will determine. And then table 13 is talking about, as usual, asking you to give reasons for unreconciled ITC. What all reasons you attribute to the difference between ITC availed in audited financial statements and audit ITC claimed in annual return. And then table 14. Table 14 is also very interesting to understand. Again, talking about input tax credit only, dosto. Friends, when we say, so far as input tax credit is concerned, till now we have only claimed input tax credit consolidated in 3B. No further information has been provided by the registered person to the department about the ITC. Now, here in table number 14, department, government is asking every registered person to bifurcate the consolidated input tax credit into various expense heads. Of course, when we make purchase, we obtain input tax credit. When we make expenses like freight, stationery, professional charges, other expenses, maybe conveyances, maybe other, then we incur expenses, we receive inward supplies, and we obtain, we are eligible to take credit of input tax credit. So whatever input tax credit which is being claimed in audited financial statements per GSTIN wise, now it has to be bifurcated into various expenses like purchases, imported goods, rent and insurance, royalties, conveyance, bank charges, entertainment, stationery, repair and maintenance, capital goods, other miscellaneous. Now you have to bifurcate the consolidated amount of input tax credit claimed in 3B per GSTIN wise, and you have to determine along with that the amount of eligible ITC availed. And then again here also amount of eligible ITC availed expense head wise, then GSTR 9 se hum log claimed ITC uthayenge. Difference we will determine, and then again in table number 15 we will give the reasons for unreconciled ITC. Table number 16 is asking the auditor to determine the amount of tax payable on the unreconciled ITC claimed. Say in audited financial statement 100 rupees ITC available, you have claimed 105 and you have claimed excess credit, so tax payable on that 5 rupee is to be determined in table 16. Now part 5, part 5 my dear friends is basically the base outcome, ultimate outcome of the entire exercise of doing form GSTR 9C, that is reconciliation statement. It is basically, the table heading is auditor's recommendation on additional liability due to non-reconciliation. Friends, when we say audit, audit is talking about four aspects. Audit is expecting, department is, government is expecting auditor to see the four aspects of the registered person. One is turnover declared, taxes paid, ITC availed and refund claimed. As an auditor, one has to look into these four aspects of every registered person while performing the audit. And in this part 5,
the department is asking you to recommend auditor, asking auditor to recommend that what additional tax liabilities arising due to difference in turnover declared, difference in taxes paid, difference in ITC claim, and not only the taxes but also the government is asking the auditor to determine the amount of interest to be paid on the additional tax liability, late fee to be paid on non-filing or late filing of returns, penalty to be paid by the registered person in case of non-compliances of the provisions of the Act, CGST Act, notification circular, notifications or other rules. So in that way, this part 5 becomes very important for every auditor, and it becomes most significant for the government to look into that what all recommendations have been made by the auditor. Even the auditor has to see whether there are some refunds which are being claimed erroneously. As I said, audit's definition only talks about 4 aspects. So my dear friends, ye hai table, ye part 5. लास्ट में इसके वेरिफिकेशन आती है. वेरिफिकेशन अगेन देयर आर टू लाइंस, आई एम रीडिंग फॉर योर कन्वीनियंस. आई हियर बाय सॉलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसीव्ड. यहां से 2 बातें समझ में आती है, ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग हैज बीन कंसीव्ड. So one, auditor has to bear in mind while performing this audit that the information to be provided in Form 9C Part A should be true and correct and nothing has been concealed. Now we will be moving forward to Part B of GSTR 9C. Dear friends, Part B talks about certification as its name suggests. Now it is again further divided into 2 parts. Same report, because Part B is basically certification, it starts with certification. In cases where the reconciliation statement is prepared by the same auditor who has done the audit, तो पहला part, Part B का जो है उस पर लगता है जहां पर GST auditor और other auditor same है. Part 2 उस पर लगता है जहां GST auditor और other auditor different है. I hope you must have got my point. Now let's talk about the format of the report. Friends, as it starts, it is a certification. So first thing comes to our mind in verification also, we have studied, we have understood that it is asking us to report true and correct and asking us to ensure that nothing has been concealed also. In Part B, it starts with certification. So first thing comes to our mind that it is basically ensuring true and correct and it is a certificate. But when we go alongside the report which is prescribed in the certification, we have some room, we have some leverage also. The entire report is divided into 5 paras. First para is generally, I am talking both the parts, chahe wo GST auditor alag ho ya same ho, sab kuch almost similar hai, toh main ek hi report ko discuss karunga aapke saath. एक ही फॉर्मेट को. पहला पैरा जो कहता है दैट आई वी रिपोर्ट दैट वी हैव ऑडिटेड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग दिस नेम एंड GSTIN. पैरा 2 टॉक्स अबाउट द बेसिक रिपोर्ट. इट सेज दैट वी रिपोर्ट बेस्ड ऑन आवर ऑडिट, वी रिपोर्ट दैट द सेट रजिस्टर्ड पर्सन, या तो आपके पास ऑप्शन है दैट द सेट रजिस्टर्ड पर्सन इज मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर द एक्ट, और आपके पास ऑप्शन है कहने की इज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स एज पर द एक्ट. और नीचे उसके लिखा भी है, जगह भी दी हुई है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए. पैरा 2, पैरा 3. पैरा 3 इज बेसिकली समवॉट सिमिलर टू द पैराज वी गिव इन आवर कंपनी ऑडिट रिपोर्ट्स, वेयर इन वी से दैट एम्फसिस, मैटर्स ऑफ एम्फसिस सप्लाइड. सो इट सेज पैरा 3, सब पैरा ए टॉक्स अबाउट वी रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स, डिस्क्रिपेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज. सो यहां पर देयर इज अ लिटिल रूम, देयर इज अ लिटिल साई ऑफ रिलीफ दैट वी ऑडिटर्स आर प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी टू गिव आवर ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो. इफ समथिंग इज नॉट ट्रू एंड करेक्ट देन वी कैन नॉट साइन इट, बट इफ सम फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू से दैट इट इज ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू दिस, देन वी कैन ऑलवेज डू आवर जॉब बेटर. So, it's para 3 part A talks about this, and para 3 part B again talks about that in our opinion, proper books of accounts have been maintained.
एंड पार्ट फोर टॉक्स अबाउट दैट वट एवर डॉक्यूमेंट्स विच वर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 हैव बीन ऑब्टेन्ड दोज डॉक्यूमेंट्स आर बेसिकली ऑल एज पर द एक्ट प्रिस्क्राइब्ड पैरा 5 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इट स्टार्ट्स विद इन माय ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशंस गिवन टू मी द पर्टिकुलर्स गिवन इन दिस सेड फॉर्म जीएसटीआर 9C आर ट्रू एंड करेक्ट subject to the following observations or qualifications. So, yahan par we have been given an opportunity to certify giving qualifications also. So, this is somewhat a mixture of a report as well as an opinion or a certificate. Mixture of a certificate and a report also. My dear friends, this is all about Form 9C. Date has already been extended to 31st March. I wish that all of you should work great into this particular thing. Last suggestion is that our ICI has, mother body has issued a technical guide in this for Form 9C and annual return also. In that technical guide, there is a checklist which is being prescribed by the ICI. I would request all of us to start our audit with that particular checklist. For sure. Thank you very much for watching this video. Thank you, friends.